विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो, कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा, हाँ मैंने नवनव की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो, दो मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी, छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से, ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में, ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें।
पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है, दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले, सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं, सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें, ऐसा बल ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाए, खुशी से कर्म करें, ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो व्यक्ति आए तो झुककर आए, यानी ईश्वर दर्शन बंद न हो उस शरीर में जहां स्टेबलाइजेशन है या होना चाहती है या होने की शुभ इच्छा है, वहां पर व्यक्ति आए तो झुककर आए, यानी भक्त बनकर आए। तो भक्त किसी को तकलीफ नहीं देता, भक्त कभी भी ईश्वर को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि भक्त क्या कहेगा, बता तेरी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, अब ये बताओ। कि क्योंकि इतना बुलंदी पर बिठा दिया कि अब ये कह सकते हैं, क्योंकि समझ के साथ भक्ति बढ़ने लगती है, पहचान बढ़ने लगती है। तो उनको इसका लाभ लेना है कि ये पहचान कैसे गहरी हो, जिस वजह से भक्ति गहरी होगी, जिस वजह से सभी विकारों से, पैटर्न से, वृत्तियों से मुक्त हो पाएंगे, बेहोशी को तोड़ पाएंगे, मान्यताओं को हटा पाएंगे। हम किसे विराजमान करें, गुलाम भी ऑर्डर मानता है और दास वो भी मानता है, प्रेमी मानता है, सखा मानता है, मगर दोनों के मानने में कितना बड़ा फर्क है। गुलाम मानेगा तो मजबूरी को सामने रखते हुए, एक जो खुद रहस्य जान गया कि मैं ही बाधा हूं, यानी व्यक्ति बनकर मैं जो जी रहा हूं यही सबसे बड़ी बाधा है। कोई सवाल पूछता है भक्ति कैसे बढ़े, ये कैसे हो, तो कैसे बढ़ेगी, कदम कैसे उठेगा, जब तक टॉपिक क्लियर ही नहीं है कि ये मेरे लिए है, ये मेरी प्रार्थना का जवाब है, तब तक भक्ति कैसे खुलेगी। किसी और के लिए है जब तक ये विचार है, जब तक पहचान नहीं है तब तक भक्ति खुलेगी नहीं। माँ बच्चों को ढूंढने गई है, मोहल्ले में बच्चे खेल रहे, मेरा बेटा, और सभी होली में रंगों में भरे हुए, तो किसी और बच्चे को लेकर आएगी तो उसको कहा जाएगा अपने बच्चे को पहचान। अब क्या वो सवाल पूछे कैसे कैसे मेरी भक्ति बढ़े मेरे बेटे के प्रति, आप कहेंगे उसको तुम सबके मुंह तो धो लो पहले, यानी साफ कर लो क्या है सामने। इतने सारे लोग आपके सामने आते हैं, पहले मुंह तो साफ कर लो सबका, यानी पीछे क्या है, पहचान तो तुम्हारी क्लियर हो जाए, वरना गलती हो जाएगी, सूरत में ही अटक जाओगे, सूरत को ही पकड़ कर लेकर जाओगे और बाद में पता चलेगा कि गलत चीज़ को पकड़ कर जीवन बर्बाद कर दिया। तो बहुत क्लियर हो भक्ति में क्या होना चाहिए, अंधभक्ति कब होती है और बढ़ती कब है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।